नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश आरजानी आपका स्वागत करता हूं। आज का किस्सा मेहसाणा के जगुदण गांव का है। यह जगुदण गांव करीब 10-15 किलोमीटर दूर है मेहसाणा सिटी से। मेरा अपना स्कूटर है, मैं उसी पे अधिकतर आता जाता हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँचा, आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक वेल्डिंग मशीन है और वेल्डिंग मशीन के अंदर एक सांप फंस चुका है। लोगों ने शायद उसकी फुंकार सुनी या उसके कुछ मूवमेंट के कारण उन्हें पता चला कि मशीन के अंदर सांप है। अब मशीन के अंदर कुछ इस तरह घुसा हुआ है सांप कि उसको पकड़ के तो बाहर निकाला जा सकता नहीं है। और अगर हम मशीन में से उसको किसी तरह खींचें तो पक्का है कि उसको लग जाएगा, आहत हो जाएगा, और वो हमारी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करें, ये सोचा जा रहा है कि कहाँ से निकालें, कैसे करें, क्या करें। थोड़ी देर तक तो मशक्क़त करी कि किसी तरह दिख जाए, लेकिन अब लगता नहीं था कि वो दिखेगा। इसलिए फिर मैंने कहा कि किसी तरह कोई टॉर्च ला के दो ताकि एग्जैक्ट हम देख सकें। अंधेरा है अंदर, तो आपने देखा रूम के अंदर अंधेरा था। अब उसमें उसको सांप को देखना और फिर उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है। उस समय तक सांप फुंकार भी मारने लगा था, इसका मतलब ये बात पक्की है कि सांप शायद गुस्से में है, निकलने की कोशिश कर रहा है। अब उसको पकड़ना और बाहर निकालना बड़ा अनुभव का काम है। इसलिए मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश चालू करी। कई लोगों ने आपने देखा कि कुछ डंडी स्टिक्स अंदर भी लगाते हैं ताकि उसके शरीर को फील करें तो वो दौड़े। और हमने बाहर से भी टक 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 इस तरह से डंडी पछाड़ते हैं ताकि उसके आवाज़ से भी वो किसी तरह या तो घबरा के बाहर निकल जाए, लेकिन वो कहीं से भी बाहर निकलने को तैयार था नहीं। और फिर मशीन को खोलना वो भी उस समय पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, क्योंकि उसको मशीन को खोलना तो एक पूरा इंजीनियरिंग जैसा काम है। उसको खोलने के लिए जो साधन चाहिए वो सब भी उस समय वहाँ पर थे नहीं। इसलिए सब सोच विचार चालू था कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। ऐसे में वास्तव में वो पिक्चरें याद आती हैं जिसमें बीन बजा के सांप को बाहर निकाला जाता था, परंतु वास्तविकता तो ऐसी नहीं है मित्रों। किसी भी तरह से बीन बजाने से सांप बाहर नहीं निकला करते हैं, वो तो फिल्मों की बातें हैं। फिल्मों में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वास्तविकता फिल्मों से अलग है। जो लोग जानते हैं उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये सब फिल्मों की बातें हैं, और आप भी शायद जानते ही हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। सांप जो है वो इस तरह से बीन की आवाज़ कभी सुनते नहीं हैं, वो खाली मूवमेंट से ही जो है वो उस चीज़ को पहचानते हैं, सुनने से नहीं पहचानते हैं। तो चलिए अपनी कहानी पे फिर से वापस आते हैं। कोशिश जारी है, टॉर्च आ चुकी है, टॉर्च भी लाल के हम देख रहे हैं कि किसी तरह निकल के वो बाहर आए और हम उसको पकड़ सकें, लेकिन कोशिश अभी सफल नहीं हो पा रही है। आज का काम थोड़ा कठिन होता जा रहा है, किसी तरह बाहर निकालना उसको बहुत ज़रूरी हो चुका है, लेकिन वो भी शायद घबरा गया है। इसलिए वो कहाँ से बाहर निकले, क्या करे, वो भी सोच रहा है कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, और हम भी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ। कसमकस है, लेकिन आज ज़रूर सफल होना है, क्योंकि उसके अंदर से मशीन में के अंदर से अगर उसको गलती से कहीं कोई करंट लग जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और देखिए, जीव दया तो हमारे सनातन धर्म का एक प्राथमिक हिस्सा है। किसी भी जीव को हानि पहुंचाना हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता है। तो फिर ये तो पूजनीय सांप है, इसको तो किसी भी तरह हम हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। और हमारा प्रयत्न देखिए चालू है। और देखिए, एक बार तो हमारे हाथ में आ भी गया था, लेकिन फिर से उसको पकड़ना है, वो वापस उसको खींचना पड़ेगा, और खींचना हमें नहीं है, क्योंकि खींचने से तो पक्का है कि उसको लग जाएगी, और हम वो नहीं चाहते हैं। और बाहर लाए किसी तरह, और किसी तरह बाहर निकले, इसलिए टकाटक करने के अलावा और कोई हमें उपाय दिखता नहीं है। 2-3 जनों ने मिलके वहाँ पे अलग अलग जगह से लकड़ी से बाहर मशीन पे टक 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 करना चालू किया ताकि वो सांप उस आवाज़ के कारण एक्टिव हो और किसी तरह बाहर निकाल जा सके। क्योंकि उसका शरीर जैसा मूवमेंट कर सकता है तो वो किसी भी कोने में से, किसी भी छेद में से बाहर निकल सकता है। तो अब हम कोशिश जारी है मेंटरों, लेकिन कठिन होता जा रहा है। कुछ लोगों ने आवाज़ भी लगाई कि हम जाके कुछ ऐसे साधन लेके आते हैं जिससे मशीन नीचे से, साइड से, कहीं से भी खोलें जिससे सांप से निकलने का काम हो सके, लेकिन मैंने मना किया, क्योंकि इस समय सांप इतना एग्रेसिव है
कि जो मशीन खोलेगा हो सकता है उस पर भी आक्रमण कर दे, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि मशीन जो खोलेगा वो वहाँ का कारीगर होगा, हम तो होंगे नहीं, हम तो संभाल सकते हैं, कारीगर तो नहीं संभाल पाए और उसको कुछ नुकसान हो जाए तो ये भी एक कठिन कार्य होगा। इसलिए हमने इस चीज़ के लिए मना किया और आवाज़ के डर से किसी तरह उसको बाहर निकालने का काम हम चालू रखा हुआ है, और अब लगता है कि काम सफल होने वाला है। और लीजिए मित्रों, सांप बाहर आ गया, सांप आया हमारी पकड़ में भी आ गया है, और अब सबसे पहला काम उसको बाहर लेके जाइए, कि तो काफ़ी अंदर की तरफ है जगह, इसलिए उसको हमने बाहर निकाला। बाहर निकाल के उसको अब अपनी जगह पे छोड़ने का ही काम बाकी रहा है। सबसे मेहनत का काम आज उसको उसके कारागार में से बाहर निकालना था मित्रों, और वो काम आज हमारा हो गया। अब हम आगे का काम कर रहे हैं, डिब्बा मंगाया गया है, डिब्बा में डाल के उसको हम ले जाएंगे। पहले उसको मैंने पूंछ से पकड़ा है और धीरे धीरे डिब्बे में उसका फन मैं डालने की कोशिश करूँगा। काम चालू हो चुका है, अब पक्का है, सफलता मिल चुकी है, यही समझिए। तो मित्रों, मैं आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सांप हमारे शत्रु नहीं हैं, मित्र हैं, उन्हें बचाइए। उन्हें बचाने में मेरा और मेरे जैसे अन्य लोगों का सहयोग कीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस चीज़ के लिए लोगों में जागरूकता बढ़े। नमस्कार।